बताएं सुदीप, आपने वैल्यू पिक के तौर पे किस स्टॉक को चुना है आज? जी, हमने रामकृष्ण फोर्जिंग का शेयर में खरीदारी करने की सलाह दिया है। हम लोगों को लगता है कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है और सबसे बड़ी बात है एक्सपोर्ट मार्केट में इनका जो पकड़ है वो मजबूत होता जा रहा है। डोमेस्टिक बिजनेस भी बहुत स्ट्रांग है और एक्सपोर्ट मार्केट में इनका यूरोप में एक्सपोर्ट का जो हिस्सा है वो बढ़ रहा है। यूएस मेक्सिको में बहुत अच्छा बिजनेस है, इसके अलावा यूरोप में बिजनेस बढ़ रहा है और इन सब का फायदा सबसे ज़्यादा ये है कि वर्किंग कैपिटल जो साइकिल है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, वो इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि यूरोप में जो सेल्स रियलाइजेशन है जल्द आता है। इसके अलावा मार्जिन्स भी बेहतर हो रहे हैं क्योंकि जो एक्सपोर्ट मार्केट में इनका मार्जिन बेटर है, यूरोप में मार्जिन अच्छा है, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हो रहा है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, तो ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि सेल्स ग्रोथ भी होता रहेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता रहेगा। तो निवेशक के लिए हम लोगों की सलाह ये है कि करंट लेवल पर खरीदारी करें 20% प्लस का अपसाइड 6 से 12 महीने के अंदर यहाँ पर मिल सकता है। ओके, तो आपने आज की वैल्यू पिक हमें बताई है और यहाँ पर आप नज़रिया जो है उसको कम से कम 1 साल का दे रहे हैं। रामकृष्ण फोर्जिंग 900 का टारगेट आपको लगता है कि अचीव हो सकता है और ये कमाई का मौका है निवेशकों के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपके तमाम सवालों के जवाब स्टॉक फटाफट में। सुदीप कानपुर से महेंद्र का सवाल है, इन्होंने एलएनटी में खरीदारी कर रखी है और 1319 देखिए इनकी बाइंग प्राइस एलएनटी में, कितना लंबा निवेश ये अपना रखना चाहते हैं हमें नहीं पता, फिलहाल तो 1370 का मार्केट प्राइस है और मुनाफे में बैठे हैं, क्या और मुनाफा कमा सकते हैं ये? जी बिल्कुल कमा सकते हैं, लार्सन टुब्रो बेहतरीन कंपनी है, परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम्स थी और इन्वायरमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रहा था कुछ देर तक, बट अभी वो जो सारे दिक्कतें खत्म हो रही है, कंपनी स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो डाइवेस्टिंग जो नॉन कोर बिजनेसेस है उसका भी फायदा मिल रहा है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और आने वाले दिनों में सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पे है और यहाँ पे लार्सन टुब्रो एक दिग्गज कंपनी है, तो हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे निवेशित रहना ही इनके लिए सही रहेगा, अच्छा खासा रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर मिल सकता है। तो करंट लेवल से भी हम लोगों को लगता है कि करीब 1500 रुपया तक इसका प्राइस जा सकता है 1 साल के अंदर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और हुगली से दयाराम जी का सवाल लेते हैं, आइडिया में खरीदारी कर रखी है और 111 इनकी बाइंग प्राइस है, फिलहाल तो घाटे में है 49.5 रुपये प्रति शेयर, लेकिन क्या इन्हें निकलकर इसी क्षेत्र के किसी और स्टॉक में जाना चाहिए, क्या सलाह होगी आपके? जी हमारी सलाह तो यही होगी कि यहाँ से एग्जिट कर ले और टेलीकॉम क्षेत्र में अभी भी बहुत उथल पुथल चल रहा है और इस सेक्टर में अभी खरीदारी ना करने की ही सलाह देंगे। बहुत सारे अच्छे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्रोथ मिलने की संभावना है, कुन शेयर्स के जिक्र हमने भी किए हैं, इसी तरह के अच्छे शेयर में खरीदारी करें और यहाँ से जल्द एग्जिट ले लें। ऑलराइट, निकल जाएं, आपको हम यही सलाह दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और मुंबई से देव का सवाल लेते हैं, इन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी कर रखी है और इनकी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, इन्होंने BHL में खरीदारी कर रखी है, 79 इनकी बाइंग प्राइस है। सुदीप जी, BHEL में मार्केट में बहुत लोग बुलिश हैं पर हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे एग्जिट लेना बेटर होगा। अच्छे बाकी PSUs अच्छे हैं जहाँ पे BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं जिक्र करूँगा जहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। BHEL एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है और ये जो बनाते हैं वहाँ पे कंपटीशन चाइनीज मार्केट से बहुत ज़्यादा है और इनके जो 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 कंज्यूमर्स है पावर कंपनीज वहाँ पे इनका रिकवरी का भी इशू रहता है, तो ओवरऑल अभी BHEL का परफॉर्मेंस मार्केट में ठीक चल रहा है और इसी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो उनको एग्जिट ले लेना चाहिए और एग्जिट लेके और किसी क्षेत्र में और किसी कंपनी में निवेश करें। ऑलराइट, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, सुदीप जी डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? जी हाँ, जिन शेयर में हमने खरीदारी की सलाह दी है वहाँ पे हम हमारे निवेशक को सलाह देते हैं खरीदारी की, हमारे खुद के पोर्टफोलियो में ये शेयर्स नहीं है।
धन्यवाद समय निकाल कर आज शो का हिस्सा होने के लिए। और जाते जाते एक बार फिर से आपको बता दें कि निफ्टी को लेकर जानकार क्या सलाह दे रहे हैं। विकास आलू के खरीदारी की रणनीति लेकर आए हैं। 10,690 का स्टॉप लॉस, 10,800 का टारगेट। शेयर इंडिया के नीरव वखारिया भी खरीदारी रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 10,685 का स्टॉप लॉस, 10,790 का टारगेट। श्रीकांत चौहान यहाँ खरीदारी की रणनीति लेकर आए हैं। 10,680 का स्टॉप लॉस, 10,800 के टारगेट। टेक्निकल चार्ट्स में ज्ञानेश्वर पदवल MCX में खरीदारी की रणनीति लेकर आए हैं। 895 का टारगेट, 830 का स्टॉप लॉस इनके मुताबिक आपको लगाना चाहिए। गौरव बिस्सा डेरिवेटिव्स में टेक महिंद्रा की रणनीति लेकर आए हैं। 700 का स्टॉप लॉस, 728 का टारगेट इनके मुताबिक आपको मिल सकता है। आज की वैल्यू पे सुदीप बंदोपाध्याय की है रामकृष्ण फोर्जिंग, जहाँ पे एक साल का नजरिया और लगभग 900 का टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं। तो ये हमारे जानकारों की राय है और आपके लिए कमाई का मंत्र भी। इसी के साथ कल का बाजार में मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन रहिए CNBC आवाज़ के साथ ही। नमस्कार।